दुनिया में कई अजूबे मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर। इस शंकुनुमा गीजर में हर 60 मिनट से 120 मिनट के बीच विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ ही हजारों गैलन पानी बाहर निकल आता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसके नीचे मैग्मा चैम्बर की मौजूदगी की वजह से नीचे का पानी गर्म होकर भाप में बदलने लगता है, जिससे नीचे का दाब बढ़ने के साथ ही इसमें विस्फोट हो जाता है और यह गर्म पानी का फव्वारा 180 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। इसे अपनी आंखों से देखना इतना अनूठा अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसे देखने दुनिया भर के सैलानी यहाँ हर रोज आते हैं। विस्फोट की अवधि 1.5 मिनट से 4.5 मिनट के बीच होती है और इसी के अनुसार इसमें से बाहर निकलने वाला पानी भी 3700 गैलन से 8500 गैलन तक हो सकता है। फव्वारे की शक्ल में निकला हुआ यह पानी बहता हुआ आगे फायर होल नदी में मिल जाता है। इस पानी का तापमान लगभग 96 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप का तापमान 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यही वजह है कि इसके ज्यादा नजदीक जाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए यहाँ आने वालों को भी इसे दूर से ही देखने की हिदायत दी जाती है। उम्मीद है आपको प्रकृति के इस अनोखे उपहार को देखकर मजा आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।